स्वागत है, मैं हूँ प्रिया धीरा। ये जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। दिवाली के साथ ही दिल्ली में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ने लगता है। इस बीच मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि इस बार दिवाली के दिन और दिवाली के कुछ दिनों बाद तक प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा। पटाखे जलाने पर भले ही प्रतिबंध हो, बावजूद इसके दिल्ली में लोग दिल खोलकर पटाखे जलाते हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ जाता है। दिवाली के बाद अक्सर दिल्ली की आबोहवा इतनी खराब हो जाती है कि एक एक सांस लेना दूभर हो जाता है। अब वायु गुणवत्ता का पूर्वानुमान लगाने वाली एजेंसी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सफर ने भविष्यवाणी की है कि दिवाली की रात दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच सकती है। इस बार भी दिल्ली में पटाखों पर बैन है। पिछले कुछ सालों से ये बैन चल रहा है, लेकिन इसके बाद भी दिल्ली में पटाखे जलाए जाते हैं और इसका असर देखने को मिलता है। सफर ने कहा कि भले ही हम 2019 के पटाखों से संबंधित उत्सर्जन के 50% पर विचार करें, एयर क्वालिटी इंडेक्स 4 नवंबर की रात से गंभीर श्रेणी में आने का अनुमान है और 5 नवंबर तक ऐसा ही रहेगा। दिल्ली में दिवाली से ठीक एक दिन पहले यानी कि 3 नवंबर को दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब हो गई और इस साल में पहली बार एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक मंगलवार को शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 303 था। वहीं दिल्ली से सटे शहरों की बात करें तो फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 306 पर पहुंच गया है, गाजियाबाद में 334 और नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 303 दर्ज किया गया। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसे और खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ इंडिया से।